Hey guys, good morning. अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और कुछ मेमोरीज हमारे पुराने वाले घर की, जहाँ मैं मंडला में जब रहता था पहले, ये मेरा होम टाउन है। मैं जब यहाँ पर रहता था पहले, तो मैं किस घर पे रहता था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हमारा मंडला वाला घर जहाँ हम पहले रहते थे। इन सड़कों पे कितना क्रिकेट खेला है यार, अभी भी हमारा घर बहुत वक्त से इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा पुराना लग रहा है, जर्जर अवस्था में, एंड यहाँ पर रेंट में रह रहे थे अभी कुछ लोग। तो दिखाता हूँ मैं आपको एंट्रेंस, ये है हॉल हुआ करता था। इतनी सारी मेमोरीज हैं यहाँ की। यहाँ पर टीवी सेट लगा हुआ करता था, वीडियो गेम्स खेलते थे, यहीं पर कितनी बार क्रिकेट खेलते थे। ऊपर शोकेस पर सामान रखा रहता था, कांच का सामान लगा रहता था, तोड़ देते थे, बॉल मारकर तोड़ देते थे, फिर उसे छुपा देते थे। यहाँ पर डाइनिंग टेबल हुआ करती थी, ये पूजा का कमरा हुआ करता था छोटा सा। इस रूम में किचन, एक्चुअली मेरा बचपन इसी घर पे बीता है, और ये मेरा कमरा हुआ करता था, यहाँ स्टडी टेबल हुआ करती थी, मैं और छोटू बैठ के पढ़ा करते थे यहाँ पर। बहुत ही सारी मेमोरीज हैं घर के साथ। ये घर के पीछे का हिस्सा, यहाँ बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे जब हम लोग रहते थे। तो अब तो कई सालों से, 8 साल हो गए करीबन यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो यहाँ पर अभी कुछ भी प्लांटेशन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। ये देखो पीछे, ये BSNL का टावर। ये सब छोटे छोटे घर बन गए, यहाँ पर पहले नहीं थे। ये है अंश। अंश क्या नाम है तुम्हारा? अंश तिवारी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात बताई है तुमने। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये मेरा बेडरूम हुआ करता था, यहाँ पर बहुत मस्ती करते थे हम लोग, बिस्तर लगे हुए करते थे यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ 2 बेड लगा देते थे। मुझे बहुत पसंद था कि मैं अपना सेपरेट बेड रखूँ। ये सब घरों में डबल बेड था ना, तो हम लोग के घर पे भी डबल बेड था, लेकिन मैंने कहा यार मैं अभी हॉस्टल से आया हूँ, मुझे एक सेपरेट बेड चाहिए, मुझे थोड़ा हॉस्टल वाली फील चाहिए। तो यहाँ पर मेरा एक सेपरेट बेड, छोटू का यहाँ सेपरेट बेड, और यहाँ स्टडी टेबल, ये विंडो, यहाँ से ये यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम है ये हम लोग का। इस विंडो से मैं शाम के 4 बजने का इंतज़ार करता था कि हाँ अब धूप कम हो गई है और अब क्रिकेट खेला जा सकता है। तो मैं सिर्फ इंतज़ार करता था इस विंडो से बाहर देखकर कि धूप कम हो गई है, तो अब चलते हैं, निकलते हैं बैट बॉल लेकर। ये मम्मी पापा का बेडरूम, यहाँ से बाहर का व्यू। यहाँ अलमारी हुआ करती थी, तो मैं अलमारी खोलकर छोटे छोटे एल्बम्स निकालकर दोपहर में स्कूल से आने के बाद फोटोज देखा करता था। बहुत ही नॉस्टैल्जिक मोमेंट है अभी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी वक्त बाद आया हूँ मैं घर पे। जब आप कमरों में घूमो ना, तो आपको उस सारे दिन सारी मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं, और फिर आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हो तो सारी चीज़ों को रिकलेक्ट करके, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये वॉल्स, ये सीलिंग्स बहुत कुछ याद दिलाती है। देखो पापा की मेहनत से बनाया हुआ घर ये हमारा। चलो बाजू में चलते हैं, आओ। ये है हमारा वो क्रिकेट स्टेडियम, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम हमारा। यहाँ से हम लोग बैटिंग करते थे, यहाँ पर रख देते थे, इतना विकेट हुआ करता था, यहाँ पटिया रख देते थे लकड़ी की, और वहाँ पर एक स्टंप दूसरा, और बचपन ये काफ़ी बड़ा लगता था। अब चूंकि बड़े हो गए तो थोड़ा तो हमारा स्टेडियम है जो थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन बचपन में तो ये बहुत बड़ा हुआ करता था।
बाहर गई तो आउट, अगर डायरेक्ट गई तो यहाँ बाहर गई तो आउट, और बाउंड्री सिर्फ वो पोल दिख रहा है ना वो वहाँ की, वहाँ पर फील्डर भी लग जाते थे, सारे लोग यहाँ पर खेलते थे, हम लोग मेरे सारे फ्रेंड्स भी खेलते थे यहाँ पर। ये अभी फिलहाल तो थोड़ा सा जंगल हो गया है यहाँ पर, ये नींबू का पेड़ लगा है देखो। कुछ वक्त पहले ये इतना बड़ा नहीं था पेड़, और ये पेड़ तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कैसे देखा है, मैंने बहुत छोटा देखा था इस पेड़ को, ये तो बहुत बड़ा हो चुका है, देखो अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतना बड़ा हो चुका है ये पेड़। हाँ ये इतना बड़ा पेड़ हो चुका है, यहाँ पर मेरी एक छोटी सी पिक्चर है वो मैं दिखाऊंगा। बहुत ही सारी मेमोरीज हैं यार इस जगह से। हाँ बहुत बड़ा लगता था यहाँ, यहाँ बास्केटबॉल की रिंग लगाते थे, छोटू खेलता था यहाँ बास्केटबॉल। ये शॉप, और यहाँ पर लाइन से गमले रखे रहते थे जिनको हम एक एक करके फोड़ देते थे बॉल मार मार के, हम लोग ड्यूस बॉल से खेलते थे, तो लाइन से हर दिन एक ना एक गमला तो फूटता ही था, और वो गमले को फिर शाम को पापा आने के पहले ठिकाना लगा देते थे, हम लोग पीछे फेंक देते थे वो टूटा हुआ गमला, हम लोग पीछे फेंक देते थे, और पता नहीं लगता था, फिर पापा कुछ दिन बाद देखते थे उसको तो फिर याद आता था कि हाँ यार कुछ गमले तो कम लग रहे हैं, तो फिर पूछते थे हम लोग से कि हाँ तुम लोग ने गमला फोड़ा था क्या, तो हम लोग बताते थे हाँ फूट गया था गलती से बॉल लग गई थी तो वहाँ पीछे फेंक देते थे हम लोग कि पापा को पता ना चले, डांट से बचने के लिए। हाँ एक बार जोर से मारा था तेरे को पैर पे ना, कहाँ पर लगी थी बॉल तेरे को, चर्च से मारी थी, मैंने मारी थी, छोटू ने मारी थी, छोटू भैया ने शॉट मारा, छोटू ने बहुत बढ़िया फील्डिंग की, मतलब बच्चों ये छोटा था उस टाइम हर्ष, तो हम लोग खेलते थे, तो अब ये फील्डिंग लगा हुआ था तो एक बार लग गई बहुत, तो उसका उत्साह वर्धन करने के लिए, एंकरेज करने के लिए कि रोए ना, ताकि तो हम लोग कहने लगते थे उसको कि नहीं नहीं अरे हर्ष बहुत गजब फील्डिंग की यार, क्या फील्डिंग की, मजा आ गया एकदम, बहुत अच्छी फील्डिंग की, तेरे को दुखी होने की जरूरत नहीं और हर्ष मान जाता था। पूरा एरिया जो है पेड़ों से घिरा हुआ है, इतना अच्छा लगता है ना जब आपके आसपास पेड़ पौधे होते हैं और आप एकदम फ्रेश एयर ले सकते हो, बड़ा ही सुकून है, बहुत सारी मेमोरीज हैं यार इस जगह की, मैं तो एकदम पीछे चला गया हूँ अपने मेमोरी वर्ल्ड में, मैं मुझे हर एक दिन याद आ रहा है अपने आप कि क्या क्या करते थे। होली में यहाँ बैठ के हम लोग सिर्फ रंग छुटाते थे, चार घंटे खेलने के बाद यहाँ पर बैठ कर, यहाँ नल हुआ करता था, यहाँ बैठ कर हम लोग सिर्फ रंग छुटाया करते थे तीन घंटे चार घंटे बैठ कर, और उसके बाद भी वो कभी नहीं छूटता था। इन सड़कों पे होली खेली है, क्रिकेट खेला है, पटाखे फोड़े हैं, दिवाली मनाई है, सारा कुछ किया है यार। चलो आओ सबसे ऊपर चलते हैं छत पे। फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पर रेंट पे रहते हैं लोग अभी। आओ छत, इतना बड़ा सागौन का पेड़, कितना सुंदर लग रहा है यार। तो इस पेड़ की बात कर रहा था मैं, पहले ये पेड़ दिखता भी नहीं था कि है भी कि नहीं है, लेकिन मैं अब काफी सालों बाद देख रहा हूँ तो ये पेड़ इतना बड़ा हो चुका है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि ये कब हुआ, कब लगा था, लगा था भी कि नहीं लगा था, मुझे याद भी नहीं है, इतना बड़ा हो गया यार ये पेड़, काफी बड़ा हो गया मुझसे, अभी देखो छाव दे रहा है धूप में, और ये पेड़ को तो देखो, हाय हाय, मुझे लगता है ये 40-50 साल पुराना पेड़ है शायद,
और ये तो मेरे साथ ही बड़ा हुआ है। अरे तो ये था हमारे घर का टूर, अब चलते हैं हमारे बड़े घर की तरफ। ये शॉप भी हमारी है। शुभी को लगा कि नैनी जो है यहाँ पर उसका फेस ब्लर हो गया, जबकि नैनी एक्चुअली नैनी का मुंडन हुआ था इस पिक्चर में। शुभी को लग रहा था कि पिक्चर ही ब्लर हो गई है। और ये हूँ मैं, देख आंखें बंद, केक रखा हुआ है मेरे मुंह में, और ये छोटू अम्मा बाबूजी, और ये है नैनी। कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ नैनी क्या बनाने के लिए बोल रही थी बताइए, अब आप बताओ। न्यू डेक्स ये आयोडेक्स का भाई है क्या? न्यू डेक्स कैसा होता, कैसा दिखता न्यू डेक्स? सिवैया जैसा रहता है, उसमें डालते हैं गोभी और कड़ल। क्या डालते हैं? टमाटर प्याज जी तो डालते ही बघार के। हाँ और क्या बन जाता है फिर? Hey guys, thank you so much for watching. ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया हो, और अगर मजा आया हो तो प्लीज कॉमेंट करके बताना कि कौन कौन सी बातों में मजा आया आपको, कौन कौन सी बातों ने आपको गुदगुदाया। ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक वीडियो है मेरे लिए, मैं अपने चाइल्डहुड में जा चुका था वापस। तो प्रोबेबली ये मंडला का लास्ट व्लॉग होने वाला है, इसके बाद मैं मंडला से वापस आ गया था अपने घर जबलपुर, और इसके बाद भी मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले व्लॉग्स में। कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।